और पंडित जी, हाँ जी, थार के बारे में क्या कहना है आपका? थार के बारे में कोई आपको क्या लगता है, ये दूर तक जाने के लिए ठीक है, ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है, क्या है मतलब आपको कुछ ऐसा सजेशन, कुछ ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए। हम लोग लगभग 1.5 साल पौने 2 साल से चला रहे हैं हम लोग, हाँ इसमें चल रहा है, तो बाकी चीजें तो उनको बहुत अच्छी लगी। एक तो बीच में बैठने पे लगता है कि हाँ भाई आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, हाँ। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि पावर भी है, हाँ। जैसा हमको चाहिए था कि 1 लीटर दबाए और भागना शुरू कर दे, इंतजार ना करना पड़ेगा भैया वो सोचेगा फिर भागेगा, वो नहीं है मतलब, बेसिकली वो अच्छा चीज लगा। और मतलब पावर ये हो गया और लुक भी है, मतलब कैरी करता है, लुक सब कुछ अच्छा लगा मेरे को। बेसिकली 2-3 चीज थोड़ा सा इसमें सुधार हो सकता है, अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, छोड़िए, हाँ। 2-3 चीज सुधार मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए। एक ये जो शीशा आपको दिख रहा है, ये जो विंडशील्ड, अच्छा, ये वाला विंडशील्ड, ये वाला, हाँ। ये थोड़ा सा और स्लैंट होना चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज, क्योंकि ये ना एक तरह से इसके स्पीड को हैम्पर करता है, क्योंकि ये सीधा है। तो जैसे आप ही सोचिए कि जैसे फरारी होती है उसका शेप कैसा होता है, ऐसे एरोडायनामिक बनाया जाता है, तो ये इसका शीशा जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये थोड़ा सा हवा को रोकता है, आवाज भी इसके कारण थोड़ा होता है। और देखिए कीड़ा मकौड़ा देखिए धपाधप इस पे देखे पूरा एकदम लगा हुआ है, तो इसलिए स्लैंट होता तो कीड़ा मकौड़ा मतलब थोड़ा सा हवा के उसे पास कर जाता। Okay. और दूसरा है कि इसकी जो छत है ना, छत ये वाली, इसमें वो होना चाहिए था, जब इन्होंने पूरा एसी लगा के और सब कुछ करके दे दिया है, मतलब एसी लगा दिया पूरा क्लोज कर दिया, तो इनको छत में ये वो वाला फीलिंग नहीं रखना चाहिए था, क्या बोलते हैं ऑफ रोडिंग वाला। ये भाई छत ऐसा ना कि खोल दिए तो ऑफ रोडिंग करने लगे, वैसा थोड़ी है, तो इसमें इनको एक लेयर देना चाहिए था, क्योंकि ये गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, अच्छा, और ठंडा में मतलब आप सोच ही सकते हैं कि ठंडा भी हो जाएगा। और एक और चीज पर इनको ध्यान देना चाहिए, माइलेज पे, माइलेज तो खैर वो बात तो है, लेकिन ये कि माइलेज पे ध्यान देंगे तो पावर खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए लेके आई है 2x4, अच्छा, मीठा थार, हाँ मीठा थार जो है वो, तो मीठा थार है वो आई है, तो अपना जिनको थोड़ा माइलेज का है तो अपना वो ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए ठीक है। देखा अब पावर है तो कोई भी गाड़ी आप ले लीजिए, पावर है तो फिर तो मतलब हम इकोनॉमिकल चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकल में चला, हमको बहुत पावर नहीं चाहिए, अब हमको इस रोड पे चलने के लिए क्यों पावर चाहिए, 4x4 का पावर हमको नहीं चाहिए, अच्छा, तो ऐसा करें क्योंकि 2S है उसमें माइलेज बढ़ा दिया जाए, कुछ टेक्नोलॉजी और जाहिर बात है इंजन तो नहीं बदला जा सकता है एक ही चीज के लिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे ऐसे सड़क पे चलते हुए ऐसे से लोग मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो एक तरह का ब्रेक अच्छा है इसका, बच गया वो निकल लेता, तो मतलब माइलेज पे थोड़ा सा वो करना चाहिए, जैसे ट्विन सिलेंडर, जैसे 4-5 सिलेंडर एक साथ मान लीजिए काम कर रहा, तो ऐसा हो कि अगर कम पावर की जरूरत है तो एक सिलेंडर से काम करें, अच्छा, इस टाइप से कुछ होना चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी आगे चल के हो सकता निकले, बस ये आइडिया एक दे रहे हैं, बेसिक आप अपना आइडिया से, बाकी हम खुश हैं थार से, जब भी चलाते हैं मजा आ जाता है भाई साहब, लगता है जिंदगी का आनंद आ जाता है एकदम, आनंद महिंद्रा जी ने बनाया तो बहुत अच्छा चीज है, अच्छा, चलाने पे आनंद ही आनंद है, ओहो, देख पागल सा है क्या।